के टॉप 5 देशों में पहुंच गए हैं। साथियों, सौर ऊर्जा आज की नहीं बल्कि 21वीं सदी की ऊर्जा जरूरतों का एक बड़ा माध्यम होने वाला है। जैसे जैसे भारत विकास के नए शिखर की तरफ बढ़ रहा है, हमारी आशाएं आकांक्षाएं भी बढ़ रही है, और वैसे वैसे हमारी ऊर्जा की, बिजली की जरूरतें भी बढ़ रही हैं। ऐसे में आत्मनिर्भर भारत के लिए बिजली की आत्मनिर्भरता बहुत आवश्यक है। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 352 नए मामले प्रकाश में आए। इसके साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर 14,330 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बताया कि कोरोना से ठीक होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 10,251 हो गई है। पिछले 24 घंटों में 459 कोरोना रोगी ठीक हुए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में कोरोना मरीजों के ठीक होने की दर 71.54% है। वहीं सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने कहा कि राज्य में नए राशन कार्ड धारियों को राशन कार्ड बांटने का काम जारी है और अब तक 53% राशन कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि रोजगार की विभिन्न योजनाओं में अब तक 10,26,00,000 से अधिक मानव दिवस सृजित किए जा चुके हैं। राज्य में बढ़ते कोविड संक्रमण के कारण राजधानी पटना सहित 10 जिलों में आज से लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। 4 जिलों बक्सर, नवादा, सुपौल और किशनगंज में 3 दिनों तक लॉकडाउन लागू रहेगा। खगड़िया में 5 दिन के लिए इस महीने की 14 तारीख तक पूर्णबंदी लागू रहेगी। पटना, मुंगेर, मधेपुरा, कैमूर और पूर्णिया जिलों में इस महीने की 16 तारीख तक पूरी तरह लॉकडाउन रहेगा। कोविड महामारी को नियंत्रित करने के क्रम में लॉकडाउन के दौरान सरकारी कार्यालय और सार्वजनिक निगम बंद रहेंगे। सभी निजी और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान भी बंद रहेंगे। राशन, दूध, सब्जी और मांसाहार की दुकानें सवेरे 6 से 10 बजे तक और शाम 4 बजे से 7 बजे तक खुली रहेंगी। सभी पूजा स्थलों और धार्मिक आयोजनों पर पाबंदी रहेंगी। ऑनलाइन खरीदारी की जा सकती है। सार्वजनिक परिवहन सेवाएं भी लॉकडाउन के दौरान जारी रहेंगी, लेकिन निजी वाहन आवश्यक कार्यों के लिए ही प्रयोग किए जा सकेंगे। ट्रेन और विमान सेवाएं जारी रहेंगी। सभी लोगों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। राजधानी पटना की सड़कों पर लॉकडाउन का असर देखा जा रहा है। वाहनों और लोगों की आवाजाही कम हो गई है। प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है और आने वाले लोगों की जाँच कर रही है। पुलिस लोगों से बेवजह सड़कों पर न निकलने और मास्क पहनने की अपील कर रही है। पश्चिम चंपारण जिले के लोकरिया थाना अंतर्गत वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व क्षेत्र में सशस्त्र सीमा बल ने एक विशेष ऑपरेशन के तहत 4 नक्सलियों को मार गिराया है। एसएसबी की एक्शन टीम ने नक्सलियों की धरपकड़ के लिए एक अभियान चलाया था। इसी क्रम में हुई मुठभेड़ में 4 नक्सली मारे गए। मुठभेड़ में एसएसबी के एक इंस्पेक्टर भी घायल हो गए। एसएसबी के महानिरीक्षक संजय कुमार ने बताया कि घटनास्थल से भारी मात्रा में अत्याधुनिक हथियार बरामद किया गया है। उन्होंने कहा कि घायल इंस्पेक्टर का इलाज जारी है और वे खतरे से बाहर हैं। एक्शन टीम है, अभियान के हमारे एएसपी साहब हैं, लोकल पुलिस का ऑफिसर, सब लोगों ने मिलकर के प्लान किया और उस इलाके की घेराबंदी में ऐसा देखा गया कि हमारी टीम के ऊपर फायर आने लगा। फायर आने के बाद जो जरूरी कार्रवाई होती है पुलिस टीम ने भी और एसएसबी की टीम ने भी किया। सर्च में बाद में पता चला कि 4 नक्सल जो हैं वो वहाँ मृत पाए गए हैं और उनके वेपन जो हैं काफ़ी सोफिस्टिकेटेड वेपन है। मुझे लग रहा है कि शायद लूटे ही पुलिस के ही लूटे हुए वेपन होंगे। एक तो AK-56 सीरीज का है, 3 SLR हैं और एक 303 राइफल है।
उधर मुंगेर जिले के हवेली खड़गपुर थाना क्षेत्र में बघेल गांव में बीती रात नक्सलियों ने दो ग्रामीणों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी। मुंगेर क्षेत्र के आरक्षी उप महानिरीक्षक मनु महाराज ने बताया कि पुलिस मामले की गहन छानबीन कर रही है। उन्होंने बताया कि मृतकों में से एक ग्रामीण नक्सली था और कई मामलों में उसकी संलिप्तता थी। दो लोगों की बॉडी हम लोगों को बरामद हुई है, जिसमें से एक जटातरी के रहने वाले थे और एक बघेल के रहने वाले थे। घटनास्थल जो है वो बघेल में पड़ता है। इन दो लोगों का गला दे दिया गया है और हत्या कर दी गई है। वहाँ पर घटनास्थल से एक पर्चा बरामद हुआ है, जिसमें लिखा गया है कि नक्सलियों द्वारा इस कांड को अंजाम दिया गया है और कई तरह की बातें उसमें लिखी हैं। हम लोग इस चीज़ का अनुसंधान कर रहे हैं। एएसपी ऑप्स को लगाया गया है और पैरामिलिट्री के साथ जो है कॉम्बिंग ऑपरेशन लगातार जारी है। इस घटना को पुलिस बड़ी गंभीरता से ले रही है और निश्चित मत्स्य पालन के क्षेत्र में प्रदेश में काफी विकास हुआ है और बिहार देश भर में मछली पालन और इसके उत्पादन में चौथे नंबर पर पहुंच गया है। कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने आज मछुआरा दिवस के अवसर पर मत्स्य पालकों के लिए दिए गए अपने संदेश में कहा कि आर्थिक पैकेज के तहत प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में एक कार्य योजना के तहत मत्स्य पालन के लिए क्षेत्र में काम किया जा रहा है। श्री कुमार ने कहा कि बिहार राज्य मत्स्य प्रोत्साहन बोर्ड बनाकर मार्केटिंग और ब्रांडिंग का काम किया जाएगा। उसमें प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की, इसके लिए 20,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इससे मत्स्य पालन के क्षेत्र में आवश्यक आधार में संरचना का विकास होगा, साथ ही 55 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। बिहार की सरकार भी माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में कृषि रोड मैप बनाकर राज्य में मत्स्य पालन को बढ़ावा दे रही है। कोरोना महामारी के बीच आर्थिक संकट से जूझ रहे कामगारों और आम लोगों के लिए केंद्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं वरदान साबित हो रही हैं। नवादा जिले में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना सहित उज्ज्वला और जनधन योजना का लाभ आम जन आगे आकर ले रहे हैं। प्रवासी कामगार रेहान ने बताया कि अब उन्हें अपने गांव में ही काम मिलने से बाहर जाकर रोजगार खोजने की जरूरत नहीं है। वही उप विकास आयुक्त वैभव कुमार ने बताया कि जिला स्तर पर अभियान चलाकर कामगारों को उनके कौशल के अनुसार काम दिया जा रहा है। जी आज ये तैयार पंचायत हमारा है अकबरपुर प्रखंड अंतर्गत, इसमें वृक्षारोपण का काम जल जीवन हरियाली योजना के अंतर्गत कराया गया है। इसमें हमारे दो श्रमिक बंधु जो कि बाहर थे, हमारे माइग्रेटरी वर्कर, उन लोगों को इसमें वनपाल नियुक्त किया गया है, जिनकी जिम्मेदारी इन पौधों को अच्छे से रखना होगा। साथ ही साथ में यहाँ पर जो भी हमारे 2 यूनिट पौधे लग रहे हैं, ये सभी काश्तकार प्रजाति के पौधे हैं। उधर खगड़िया जिले में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना का लाभ पंचायत स्तर पर गर्भवती महिलाओं को मिल रहा है। इस योजना के तहत हर माह के नियत तारीख पर स्वास्थ्य केंद्रों में गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य जांच कर उन्हें मुफ्त दवाइयां दी जाती हैं। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर राजीव कुमार ने बताया कि कोरोना संक्रमण के फैलाव को देखते हुए गर्भवती महिलाओं को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी जा रही है। रूटीन एग्जामिनेशन, ब्लड ब्लड ESR, ब्लड शुगर, हेपेटाइटिस बी, VDRL इत्यादि जांच की जाती है। और क्या क्या सलाह दिया जाता है? और सलाह दी जाती है जो आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक दलों के बीच सरगर्मी शुरू हो गई है। एनडीए में शामिल दल भाजपा और जदयू जहां चुनाव निर्धारित समय पर कराने के पक्षधर हैं, वहीं महागठबंधन में शामिल कांग्रेस और राजद कोरोना संक्रमण के बीच चुनाव कराने के पक्ष में नहीं है। सत्ता पक्ष और विपक्ष से जुड़े विभिन्न दलों के प्रवक्ताओं ने विधानसभा चुनाव के मुद्दे पर अपनी अपनी राय जाहिर की है। देखिए, बिहार विधानसभा के चुनाव कराए जाने का निर्णय भारतीय निर्वाचन आयोग ने लिया है और सभी राजनीतिक दलों के परामर्श के पश्चात निर्वाचन आयोग का यह फैसला है। चुनाव समय पर होंगे और इसकी तैयारियां जनता दल यूनाइटेड ने पूरी मुकम्मल कर ली है और हम चाहते हैं विकास के लिए, सुशासन के लिए और राज्य को राष्ट्रीय मानचित्र पर सम्मानजनक स्थान दिलाने के लिए।
चुनाव कराना चुनाव आयोग की जिम्मेवारी है। चुनाव आयोग अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन करता है। समय से चुनाव हो तो विकास की गति बनी रहती है। अगर चुनाव में विलंब होता है तो विकास कार्य बाधित होता है। इसलिए सभी लोग चाहते हैं कि समय से चुनाव हो। चिराग पासवान जी ने भी कहा है कि इलेक्शन नहीं होना चाहिए लाशों के ढेर पर। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मरीजों की संख्या के बीच बिहार में कैसे चुनाव संपन्न होगा, एक बड़ा सवाल है और कांग्रेस पार्टी भी इस परिस्थिति पर चिंतित है। लेकिन बीजेपी जदयू के लोग जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं, उन्हें आम जनता के सेहत से कोई मतलब भी नहीं है। प्रदेश में मॉनसून सक्रिय है। पिछले 24 घंटों में प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में वर्षा हुई है। पश्चिमी चंपारण के त्रिवेणी में सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई है। पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक आनंद शंकर ने बताया कि अगले 48 घंटों में नेपाल से लगे सीमावर्ती जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। पिछले 24 घंटे में बिहार राज्य के अधिकांश हिस्से में वर्षा हुई है, जिसमें सबसे ज्यादा पश्चिम चंपारण के त्रिवेणी में 141.6 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई है। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों और प्रदेश में हो रही लगातार बारिश के कारण नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। केंद्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गंडक नदी का जलस्तर गोपालगंज के डुमरिया घाट में खतरे के निशान से ऊपर है। वहीं बागमती नदी का जलस्तर सीतामढ़ी के रून्नी सैदपुर और मुजफ्फरपुर के बेनीबाद में लाल निशान से ऊपर है। कमला बलान का जलस्तर मधुबनी के झंझारपुर में खतरे के निशान से 26 सेंटीमीटर ऊपर है। कोसी नदी का जलस्तर खगड़िया के बलतारा में खतरे के निशान से 59 सेंटीमीटर ऊपर है। पश्चिम चंपारण से सटे नेपाल की तराई क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश से गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आज सुबह तक वाल्मीकि गंडक बराज से 2.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिससे नदी के किनारे बसे गांवों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। जिला प्रशासन और अभियंताओं की टीम तटबंधों पर सतत निगरानी रख रही है। उधर खगड़िया जिले में कोसी और बागमती नदी में जलस्तर बढ़ने से सीमावर्ती गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। एडीएम शत्रुंजय मिश्रा ने बताया कि संभावित बाढ़ के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने राहत और बचाव के लिए विशेष इंतजाम किया है। नदियों के थ्रू हमको आगाह किया है कि आप इस बात के लिए तैयार रहिए। दूसरी बात, हमने डिप्लॉयमेंट प्लान के तहत ये निर्देश दिया है कि अंचल प्रशासन शॉर्ट नोटिस पर भी उन लोगों के इवैक्यूएशन की खातिर कार्रवाई करेगा। नाव का टैगिंग किया गया है। और जाने से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बन गया है आत्मनिर्भर। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 14,330, स्वस्थ होने की रफ्तार भी हुई तेज। कोरोना महामारी को लेकर पटना, मुंगेर, बक्सर, सुपौल और मधेपुरा सहित 10 जिलों में आज से लॉकडाउन। और मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में नेपाल से लगे जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई।